हरिओम, नमस्कार मित्रों। सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब पाणिनी व्याकरण की एक वृद्धि संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह आप सब जानते हैं कि आप सबके यूजीसी नेट जेआरएफ की पाठ्यक्रम की छठी इकाई में यह विषय समाविष्ट है। आप उसमें देखेंगे तो जो शुरुआती पहला विषय है परिभाषाएं, उसमें संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक इत्यादि कुछ संज्ञाएं आप सबके सिलेबस में समाविष्ट है। उनको हम सीरियल वाइज एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तक संहिता, संयोग और गुण, इन तीनों संज्ञाओं को हम पढ़ चुके हैं। वृद्धि संज्ञा इस पाठ में होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि संज्ञा के पाठ को। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि यह वृद्धि संज्ञा का पाठ है। इसमें हम जानेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है और वृद्धि संज्ञा का क्या तात्पर्य है और उसका क्या फल है, ये सब कुछ समझेंगे। वैसे वृद्धि संज्ञा पाणिनि भगवान ने सबसे पहले व्याकरण में अगर कोई संज्ञा कही है तो सबसे पहले वृद्धि संज्ञा के बारे में ही कहा है। आप इस सूत्र को देखेंगे और इस सूत्र का क्रम देखेंगे तो सूत्र आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, वृद्धिरादेयिक सूत्र है, जो कि पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, 1.1.1। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, सूत्र है वृद्धिरादेयिक। आप सबसे पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है तो आप सब आराम से निस्संदेह कह सकते हैं कि वृद्धिरादेयिक सूत्र है। अच्छा, वृद्धिरादेयिक सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है, अथवा मृजेर वृद्धि या फिर उतो वृद्धिर लुकिहली इत्यादि सूत्रों में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया, वहाँ उसको वृद्धि न समझ लें। वो वृद्धि संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं, वो वृद्धि विधान करते हैं, वो वृद्धि संधि करते हैं या विधि सूत्र है, वो संज्ञा सूत्र नहीं है। तो वृद्धिरादेयिक यह सूत्र है। इस सूत्र में बहुत सारे शास्त्रार्थ भरे पड़े हैं, पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो यह संज्ञा परिभाषा सिलेबस में है, इसको यदि देखा जाए तो बहुत शॉर्ट में इससे दो तीन तरह के प्रश्न आते हैं। उन दो तीन तरह के प्रश्नों को भी देखा जा सकता है। एक प्रश्न आता है वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आप कहेंगे कि वृद्धिरादेयिक इस सूत्र से होती है। और यदि आपको इस सूत्र का अर्थ समझना है तो अर्थ भी समझा देता हूँ। अर्थ समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि सूत्र में कितने शब्द हैं। तो आपको इस सूत्र में कितने शब्द हैं यह खोजना पड़ेगा, और शब्द के इसके लिए आपको इस सूत्र का ऑपरेशन यानी पदच्छेद करना पड़ेगा, वृद्धि आत ऐच। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दो शब्द हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तीन शब्द हैं। द्विपद और त्रिपद ये दोनों मत है। तो द्विपद जो सूत्र जो लोग मानते हैं वह कहते हैं वृद्धि और आदैच, ये दो शब्द हैं, वृद्धि आदैच ये दो शब्द हैं। तो और जो तीन शब्द मानते हैं इस सूत्र में वो कहते हैं वृद्धि आत ऐच। अब भाई जो दो पद मानते हैं उन लोगों के मन में आदैच एक शब्द है, पर आदैच शब्द की भी व्युत्पत्ति की जाएगी तो आदैच शब्द में भी दो शब्द हैं ही ऑलरेडी, आतच ऐच च, आतच ऐच च इति आदैच। तो इस सूत्र को समझने के लिए आपको तीन शब्दों को मुख्यतः समझना पड़ेगा। पहला शब्द है वृद्धि, दूसरा है आत, तीसरा है ऐच। वृद्धि आत ऐच ये तीन शब्द समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने इस संज्ञा को, इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लिया सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। वैसे इसमें महाभाष्य में शास्त्रार्थ बहुत कुछ है कि वृद्धिरादैच क्यों कहा, वृद्धिरादैक क्यों नहीं कहा, च के स्थान पे क्यों का क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उनके बहुत सारे उचित समाधान भी दिए जाते हैं कि भ संज्ञा होने के कारण नहीं हुआ, वो सब अलग विषय है। पर तथापि आप यदि इसको सामान्यतः देखना चाहें तो सामान्यतः इतना कहा जा सकता है कि वृद्धि आत ऐच, यानी आत ऐच ये दोनों वृद्धि, आत और ऐच इन दोनों को आप वृद्धि कह सकते हैं। आत का क्या तात्पर्य है, आत का तात्पर्य है केवल आ, आपको नीचे अर्थ में दिखाई पड़ रहा होगा। इसकी वृत्ति भी हमने लिखी है आदैच वृद्धि संज्ञा, आत ऐच च ये वृद्धि में भी आपको दिखाई, वृत्ति में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आत ऐच च वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत मतलब होता है आ, ऐच ऐच आप एक प्रत्याहार है ये जानते हैं, ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ ये दो वर्ण आते हैं, ऐ औच सूत्र के अंतर्गत आने वाले दोनों वर्ण ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ऐ औ ये दो वर्ण हो गए ऐच, और आत यानी हो गया आ। तो ये तीन वर्ण तीनों लाल कलर में आपको अर्थ में लिखे दिख रहे होंगे कि यानी इन्हीं तीनों वर्णों को आ आई औ, इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। गुण में आपने देखा था इन्हीं तीनों का थोड़ा सा लघु रूप था, अ था वहां ए ओ था, अ ए ओ ये तीन गुण थे। और वृद्धि संज्ञा में आप देख रहे हैं कि आ आई औ ये तीन वर्ण वृद्धि है। तो अब इतना तात्पर्य समझ गए होंगे आप सब कि वृद्धि किसे कहा जाता है, यह प्रश्न हो। वृद्धि संज्ञा कितने वर्णों की होती है यह प्रश्न हो,
तो आप कहेंगे तीन वर्णों की आ आई औ की। वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होगी तो यह प्रश्न होने पर आप कहेंगे वृद्धिरादैच से। वृद्धिरादैच वृद्धिरेच में मत चले जाना है, नहीं चले जाना है, क्योंकि वो भी सूत्र इससे मिलता जुलता है, फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर कभी कभी चले जाते हैं, तो वह गलती ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा वृद्धि ही आत ऐच। आत में जो त दिखाई पड़ता है ना वह तपरकरण किया गया। तपरकरण हमेशा तपर का तात्पर्य होता है त के पहले जो है वह भी तपर कहलाता है अथवा त के बाद में जो है वो भी तपर कहलाता है। तह पर यस्मात् सह तपर यानी त जिसके पर में है वह भी तपर कहलाएगा, आ के पर में है वो भी आ भी तपर कहलाएगा, और त के पर में जो है ऐच आत ऐच ऐच त के पर में है वो भी तपर कहलाएगा। परंतु यहाँ पर आप काशिका इत्यादि व्याख्यान देखेंगे तो केवल कहा गया है तपर करणम ऐज अर्थम, तपर करण केवल ऐज के लिए कहा गया है, आ के लिए नहीं कहा गया, इतना निष्कर्ष होता। तथापि वह आप सबसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप सबको इतना जानना है कि वृद्धि रादैच इस सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है, आ ऐ औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो अब वृद्धि संज्ञा करने का क्या फायदा है? फायदा यह है कि पाणिनि जी अब इस समग्र व्याकरण वाङ्मय के जो लगभग 4000 सूत्र हैं उन 4000 सूत्रों में किसी भी सूत्र में कभी भी कहीं भी यदि वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वृद्धि शब्द का तात्पर्य आप सबको क्या समझना है? वृद्धि शब्द का तात्पर्य होगा आ आई औ। पाणिनि जी कभी भी कहते हैं कि वृद्धि करो तो आप सब क्या करेंगे? आ आई औ करेंगे, क्योंकि वृद्धि का मतलब क्या होता है? आ आई औ। यही तो वृद्धि शब्द से आप इन्हीं तीनों वर्णों को समझेंगे, आ आई औ इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप आप ले लेंगे तो उदाहरण में आप देखेंगे देव ऐश्वर्यम, एक उदाहरण हमने दिखाया है देव और ऐश्वर्य है। यहाँ पर वृद्धि रेचि एक सूत्र आएगा, कहेगा कि अ के बाद एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, पहले अ हो तो आप देखेंगे देव में अ है, उसके बाद एच प्रत्याहार का यानी ए ओ ऐ औ में से कोई भी वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व में अ और पर में जो एच है उन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। तो आ और आई इन दोनों को हटाना है, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि लाना है, वृद्धि लाना है यानी वृद्धि नहीं लिखना है, वृद्धि किसे कहते हैं? आ आई औ, इन्हीं तीनों वर्णों को वृद्धि कहते हैं। तो आपको इन्हीं तीनों वर्णों में से कोई एक लाना है तो आ और आई इन दोनों के स्थान पर आई ही ले आएंगे हम, क्योंकि वृद्धि आई ही है तो वृद्धि हो जाएगी, देव ऐश्वर्य बन जाएगा। इसी तरह कृष्ण और औत्कंठ में आ और औ को मिलाएंगे तो औ ही रह जाएगा कृष्ण औत्कंठ। क्रि और य में जो आप वृद्धि करते हैं यहाँ पर वृद्धि होती है, यहाँ पर जो क्रि और य में वृद्धि होती मूलतः अण्यत प्रत्यय है, अण्यत प्रत्यय होने के कारण अचोणिति सूत्र से वृद्धि होती है तो वृद्धि होगी। रि के स्थान पर वृद्धि होगी तो आ होगा, क्योंकि रि का उच्चारण स्थान आप देखते हैं तो रि का उच्चारण स्थान मूर्धा है और आ आई औ इन तीनों में से किसी का भी उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, इसलिए आई औ तो ऑलरेडी प्राप्तावकाश है, इसलिए आई औ ना होकर उसके स्थान पर आ होगा, रि के स्थान पर आ होगा। यदि रि के स्थान पर अ ई उ इन तीनों वर्णों में से कुछ भी होने लगता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत चाहे जैसा भी, तो वह रपर होकर ही आता है उरण रपरा इस सूत्र के सहयोग से। तो क्रि में रि के स्थान पर पहले आ हुआ पर वह रपर होकर आया, आर आया, वृद्धि हुई आ हुआ पर वह रपर हो गया इसलिए आर आया तो कार्य बन गया कार्य। तो इतना तात्पर्य आप सब समझ गए होंगे कि आ आई औ इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। आप सबसे कभी भी परीक्षा में कोई प्रश्न आए कि वृद्धि कितने वर्णों की होती है वृद्धि संज्ञा, तो आप कहेंगे तीन वर्णों की आ आई औ। और फिर उसके बाद यदि आप सबसे इतना पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है तो आप कहेंगे वृद्धि रादैच, इतना केवल जानना है। तो आशा करता हूँ कि यह वृद्धि संज्ञा आप सब समझ गए होंगे। वृद्धि संज्ञा में केवल इतना ही, आप सब जुड़े रहे पूरा पाठ देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल किसी एक नए विषय के साथ, नया कोई एक संज्ञा पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अब आप हमारे सभी क्लास की सूचना चाहे वह यूट्यूब पे हो, चाहे वह अनअकैडमी पे हो, या कहीं और फेसबुक जूम या कहीं भी लाइव पे हो रही हो, उन सभी क्लास की सूचना आप इस सरल संस्कृत व्याकरण कोष्ठक में अरुण पांडे इस टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप में जाएंगे और यही नाम से लिखकर खोज लेंगे तो मिल जाएगा। जिनके मोबाइल में हिंदी टाइपिंग का सिस्टम ना हो वह केवल अरुण पांडे इंग्लिश में भी टाइप करके सर्च करके देख सकते हैं, यह चैनल का नाम मिल जाएगा। इसी तरह यही लोगो रहेगा तो आप उसमें जुड़ना है। इसी नाम का एक फेक चैनल भी उपलब्ध है पर उसमें ना जुड़े, उसमें कुछ नहीं, इसमें हमारे सारे पीडीएफ सारे क्लास की लिंक सब कुछ मिल जाती है समय समय पर। जिन्हें प्रश्नोत्तर इत्यादि में भाग लेना है ऐसे एक ग्रुप भी है। पहले वाले चैनल में आप केवल सूचनाएं देख सकते हैं, इसमें आप सूचनाओं के साथ साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ऐसा भी एक ग्रुप है, इसको भी आप खोज करके जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, वो भी आप सबको दिख रहा है सरल संस्कृत व्याकरण नाम से, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो
इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद।